चिंता को चिता के समान माना गया है और ये उतना ही सच है जितना कि इस मुहावरे में कहा गया है। अक्सर लोग डिप्रेशन और तनाव के शिकार होने के बाद दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इस्तेमाल की गई दवाओं का सेहत पर क्या असर पड़ता है? ये दवाएं आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने की बजाय आपको और भी ज्यादा बीमारियों के घेरे में धकेल देंगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी तनाव का शिकार है और तनाव से राहत पाने के लिए दवाओं का सहारा ले रहा है तो उन्हें ये रिपोर्ट जरूर दिखाएं। साथियों, एंटी डिप्रेसेंट्स आम प्रिस्क्रिप्शन दवाएं हैं जो अवसाद, चिंता और विकार जैसी स्थितियों का इलाज करने में मदद कर सकती हैं। कई प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट हैं आप और आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हद से ज्यादा चिंता करने के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। ज्यादा चिंता करना दिमाग के लिए ठीक ही नहीं बल्कि पूरी सेहत के लिए खतरनाक है। तनाव को दूर करने के लिए दवाओं के रूप में लिया गया एंटी डिप्रेसेंट सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे आपको पेट खराब, डायरिया, सरदर्द, उनींदापन और यौन रोगों जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही इसका ज्यादा इस्तेमाल सतर्कता में कमी, मतली, वजन बढ़ना, बेचैनी, सोने में कठिनाई होना या ज्यादा नींद आने की भी समस्या हो सकती है। और एंटी डिप्रेसेंट के गंभीर साइड इफेक्ट की बात करें तो दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां, मिर्गी के दौरे, लीवर की क्षति और सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट के अलग अलग प्रकार और ब्रांड के साइड इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए साइड इफेक्ट इतने गंभीर नहीं होते कि उन्हें दवा लेना बंद करना पड़े। हालांकि एक बार दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी होता है। साथियों, डिप्रेशन के इलाज में अल्प्राजोलम कारगर मानी जाती है। इस तरह की नकली दवाइयां दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। इसके अलावा ब्रेन के न्यूरो सिस्टम पर भी असर डालती हैं, खासकर ऐसे मेंटल मरीजों को जो ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। इस दवा को लेने के बाद वे शांत हो जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर ने अपने अध्ययन में पाया है कि एंटी डिप्रेशन की दवा इंसान को कुंद बना सकती है। वो कभी खुशी और कभी गम महसूस करता रहता है। रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन की दवा लेने वाले किसी भी चीज का लुत्फ नहीं उठा पाते। उनकी सभी भावनाएं अंदर ही दब जाती हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटी डिप्रेशन की दवाइयां फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ा देता है, जिसके कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे लोगों में उत्साह ही नहीं बचता, उनका दिमाग सही तरह चीजों को नहीं पहचान पाता। ऐसे में एक्सपर्ट मानते हैं कि नकली डिप्रेशन की दवा दिमाग को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर ड्रग है जिसकी ज्यादा डोज जान भी ले सकती है। दोस्तों, अगर आप भी ज्यादा तनाव में रहते हैं तो तनाव को दूर करने के लिए घरेलू तरीके अपनाएं। दोस्तों से बातचीत करें, सुबह शाम वॉक करें और खुद को व्यस्त रखें। दवाओं का सेवन आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।